कि जैसे जो है ना जेएमएम का सरकार बुड़बक बनाने का काम किया 1000 रुपया दे करके, बीजेपी की सरकार आएगी तो वो भी 2100 रुपया देकर बुड़बक बनाने का काम करेगा? बुड़बक बनाने का काम नहीं करेगा। मुख्यमंत्री हो तो डीसी के द्वारा पैसा चाहिए, मोटेशन में सीओ को पैसा पहुंचाना है, जनता सब जानती है और उसका पूरा हिसाब लेगा इस बार। अभी सीजीएल का एग्जाम लिया है, इसने हर बार कैंसिल करके कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश किया है। वादा रोजगार का होना चाहिए, वादा स्वास्थ्य का होना चाहिए, वादा शिक्षा का होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2100 रुपया और 1000 का वादा किया जा रहा है, इससे क्या क्या लगता है सुधार होगा? मैं बताता हूँ, जो राज्य का मुख्यमंत्री बालू का दाम सोने में बेचे, आप उसे समझ सकते हैं कि इस राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री काम कर रहा है? जनता तो ये भी कह रहा है क्या कि हेमंत सरकार जब 1000 रुपए मैया योजना लेकर आया, देखा देखी बीजेपी वाला भी 2100 रुपया का वादा किया कि जीतने के बाद हम ले आएंगे। भारतीय निश्चित रूप से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम चैलेंज के साथ, एकदम चैलेंज के साथ बोलते हैं। इस वक्त रांची में बापू वाटिका के पास हम लोग हैं, लोगों से जानना चाहेंगे कि झारखंड में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं लोग, तो आइए पूछते हैं। लोग अब मत जानते हैं मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? चंपाई दादा को। चंपाई दादा को, चंपाई दादा को। क्या जेएमएम वाले को नहीं देखना चाहते हैं? नहीं जी, जेएमएम और कांग्रेस को एकदम बायकॉट कर देना झारखंड से। काहे काहे क्या हो गया ऐसा? काहे ऐसा हुआ कि हम लोग स्टूडेंट है ना, हम लोग 5 साल इंतजार किए कि ये अच्छा करेगा सरकार, लेकिन अच्छा नहीं किया, हम लोग के साथ धोखा किया। क्या क्या धोखा हो गया? जब भी सीजीएल का एग्जाम लिया है, इसने हर बार कैंसिल करके कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश किया है। मैया योजना भी तो आया है, मैया योजना आया तो बबुआ योजना क्यों नहीं आता? दे देता हम लोग को भी, हम लोग को भी तो बोला था भत्ता देंगे, काहे नहीं देता? हेमंत सोरेन जी कैसा काम किए हैं? बेकार काम किए हैं, बेकार काम। ये काम बताइए जो बढ़िया लगता हो आपको। वैसा कोई काम नहीं हमको, वैसा कोई काम नहीं है। चलिए और भी लोगों से जानना चाहेंगे। दादा जोहार, अभी हम लोग रिहायशी इलाके में हैं, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अब देखे अब किसको किसको वोट देता है कि नहीं देता है। हाँ, आप किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी का राम कुमार पाहन को देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो है ही अथी, मालूम मनन। आइए और भी लोग हैं। दादा जोहार, दादा ये दादा के दिए, किसको मुख्यमंत्री इस बार देखना चाहते हैं? वो तो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। अच्छा, ये अभी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कैसा काम किए हैं वो? नाखुश हैं हम लोग, नाखुश हैं। मैया योजना वगैरह लेकर के आए हुए हैं, कुछ नहीं चाहिए, ये सब बकवास है। कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा आपको? बढ़िया काम क्या है, बढ़िया काम कुछ ही नहीं है। कुछ नहीं लगा, एक भी काम बढ़िया नहीं लगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। क्या लगता है कि बीजेपी का सरकार जो है झारखंड में बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कितना सीट आएगा लगभग? अब तो समय बताएगी इसके लिए, लेकिन सरकार हम लोग को बनेगी और अच्छे से बनेगी, क्योंकि हम लोग का तबर जो अलायंस था टूट गई थी, जिसके एकदम दावा के साथ कहते हैं बनेगा 100%। बीजेपी का ही सरकार बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। और भी लोग आइए बात करते हैं। दादा जोहार, जोहार जोहार, क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनेंगे इस बार? ये तो पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले हम लोग अपना भारतीय जनता पार्टी का यहाँ, दादा जोहार। हाँ जोहार, क्या लगता है इस बार झारखंड में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? निश्चित रूप से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम चैलेंज के साथ, एकदम चैलेंज के साथ बोलते हैं। ये हेमंत सरकार से जनता त्रस्त है, ये पैसा कमाने व्यस्त है, इसका सब कार्यकर्ता और पार्टी मस्त है, और जनता पूरी तरह से त्रस्त है, पैसा कमाने में 5 साल पूरे व्यस्त है, सरकार चलाने में इनको कोई सरोकार नहीं रहा, सिर्फ पैसा कमाने में व्यस्त रहा। हेमंत सोरेन जी का सरकार तो देखिए कई सारा योजना लेकर आया, मैया योजना लेकर आया, दीदी लोग के लिए 1000 रुपए खाता में जा रहा है। सुनिए, आपको जानकारी है कि नहीं मैं बता दूं, अगर मैया योजना के लिए पैसा लाया तो पैसा कहां से आया? अभी 5 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है लोगों को, जो ये अबुआ आवास और इंदिरा आवास जो दिया गया उसका पैसा रुका हुआ है, एक पैसा दे नहीं पा रहे हैं। जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम ये मैया योजना 5 साल कहां रहा? उन्होंने कितना वादा किया, बहुत सारे वादे किए कि रोजगार बेरोजगार को 5000 रुपये महीना का भत्ता देंगे, पेट्रोल का पैसा सब्सिडी देंगे, ऐसा रूम बनाएंगे कि जिसमें टॉयलेट अटैचमेंट होगा, उसमें
बेडरूम होगा, बाथरूम होगा, सारा कुछ, लेकिन घर बनाने का तो छोड़ दो, बालू का पैसा देख लो, बालू का पैसा खा लिया, जनता त्रस्त है। जिसको अबुआ आवास मिला वो बेचारा घर नहीं बना पा रहा है, 50,000 का बालू खरीदेगा, 1,00,000 रुपए में घर बनाएगा। वो तो कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दिए, स्कूल की व्यवस्था ठीक कर दिए, और साथ में देखिए बिजली बिल भी गरीबों का माफ कर दिए है। रघुवर दास के सरकार में स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सारे अफसर लोग टाइट थे, और इस सरकार में सब अफसर लोग पैसा कमाने में व्यस्त रहा और पैसा कमाने में व्यस्त रहा, खुला कमीशन खोरी हुआ, चाहे वो विधायक हो, शिलान्यास करने में भी पैसा लेने का काम किया। अगर शिलान्यास करना हो तो विधायक को पैसा चाहिए, और मुख्यमंत्री हो तो डीसी के द्वारा पैसा चाहिए, मोटेशन में सीओ को पैसा पहुंचाना है, जनता सब जानती है और उसका पूरा हिसाब लेगा इस बार, और मुश्किल से इसका मैंने पूरा सफाया होने वाला क्या है। क्या लगता है कि बीजेपी का सरकार आएगा तो ये सारा चीज बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद होगा, बंद था बहुत सारे, देखिए भ्रष्टाचार छुपा छुरी थोड़ा बहुत तो चलता है, कोई दावा नहीं करता, लेकिन इस तरह से खुला नहीं था। आज अफसर ऐसे पैसा लेते हैं, ऐसे कोई डर नहीं, कोई भाव नहीं, ये सब लोग जानते हैं, यहाँ से पूछिए। लेकिन जनता तो ये भी कह रहा है क्या कि हेमंत सरकार जब 1,000 रुपए मैया योजना लेकर आया, देखा देखी बीजेपी वाला भी 2,100 रुपया का वादा किया कि जीतने के बाद हम ले आए। भारतीय जनता पार्टी का ही रिकॉर्ड है, जो कहती है वो करती है, बिना कहे वो वादा नहीं करता है, जो निभाने का रहता है वही करता है। मैं बता दूं कि ये इन्होंने कितना कितना वादा किया, भरे मन से बोला कि सब मंच में चुनाव से पहले बोल रहे थे 1932 करेंगे, हुआ क्या? लोगों को बोला पेट्रोल में सब्सिडी देंगे, युवाओं को लुभाने का काम किया, दिया क्या? बोला अच्छा घर देंगे, रोज बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को मिला क्या? पूछिए अगर किसी को मिला होगा तो। ये भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं है, तो उसके कार्यकर्ता का भी बात करिए, और जो उनका गढ़ है वहाँ पर जाइए, रोज न्यूज टेलीकास्ट हो रहा है, क्या लोगों का सुधार हुआ? वादा रोजगार का होना चाहिए, वादा रोजगार का होना चाहिए, वादा स्वास्थ्य का होना चाहिए, वादा शिक्षा का होना चाहिए, लेकिन 2100 रुपया और 1,000 का वादा किया जा रहा है, क्या क्या लगता है सुधार होगा? मैं बताता हूँ, निश्चित रूप से परिवार के लिए जब गरीब योजना में, हम जब शहर में रहते हैं तो हम लोगों को 2100 रुपया 1,000 का महत्व नहीं पता चलता है, लेकिन गांव ग्रामीण क्षेत्र में जिनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनको लालन पालन के लिए रोजगार नहीं मिलता, उनके लिए थोड़ा बहुत सहयोगी है, लेकिन यह पैसे से ज़्यादा नहीं, रोजगार स्वरोजगार, और भारतीय जनता पार्टी इस कार्य के लिए बहुत सीरियस है, और सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में, और जहाँ जहाँ राज्य में सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ का स्थिति देखिए, बेरोजगारी कम है, और यहाँ हेमंत सोरेन पूरे झारखंड को बेचने का काम किया, गरीब है हमारा राज्य, गरीब है हमारा राज्य, गरीब है, और अपना पूरा कोयला बेचा, बालू बेचा, यहाँ का खनिज संपदा को बेचा, और बोलता है झारखंड राज्य गरीब है, अभी अपने मस्त है। अभी झारखंड में कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँचा है, जहाँ रोड नहीं पहुँचा है, जहाँ पानी नहीं पहुँचा, स्वास्थ्य नहीं पहुँचा, स्कूल का व्यवस्था खराब है। जानकारी के लिए बता दूं कि रघुवर दास पूरे गाँव में बिजली पहुँचाने का कार्य किया था, जो 70 सालों में भारत कांग्रेस का सरकार नहीं कर पाया था, लेकिन रघुवर दास जो भी गाँव छूटे बड़े थे उनको, लेकिन अभी आप देख लीजिए जब से बिजली माफ करने की घोषणा किया उस समय से देखिए बिजली मिल रहा है, कितना बिजली, लोग बिजली त्रस्त हैं, मैं स्वयं त्रस्त हूं, सब लोगों का बिजली कट रहा है, तो ये सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा काम नहीं करेगी, और झारखंड की जनता बिल्कुल समझदार है, वैसा कहीं से उनको वोट देने नहीं जा रहा है, चूंकि हेमंत सरकार को सभी लोग समझ चुके हैं। हम लोग गांव जाते हैं, अनडेवलप एरिया में जाते हैं, तो वहां गरीब लोग, दीदी लोग कहती हैं कि जैसे जो है ना जेएमएम का सरकार बुड़बक बनाने का काम किया 1,000 रुपया देकर के, बीजेपी की सरकार आएगी तो वो भी 2100 रुपया देकर बुड़बक बनाने का काम करेगा। बुड़बक बनाने का काम नहीं करेगा, लोगों को मतलब स्वरोजगार से जोड़ने का, और उनको उसको क्या बोलते हैं, मत में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी। तो तब बनेंगे लोग जब नौकरी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हम यही बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शुरू से प्रयास रहा है, और विभिन्न राज्यों में आप देखिए जहां भी रहा है उनका प्राथमिकता रहा है कि वो रोजगार पैदा करें, रोजगार दें। एक लास्ट सवाल आपसे, जब आपकी सरकार बनेगी क्या लगता है गरीब गरीबी रेखा से ऊपर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल गरीबी रेखा से आप लोग क्या करेंगे? आप आंकड़ा देखिए ना, रघुवर दास में कितने लोग गरीबी आंकड़ा से ऊपर गए थे, और आज देखिए जो गरीबी आंकड़ा से निकल चुके थे आज फिर वो आंकड़ा में देखिए गरीब बन चुके हैं, हेमंत सरकार उसको गरीब बनाने का काम किया, जो निकल चुके थे, जैसे उदाहरण के तौर पर ये व्यक्ति अगर निकल चुके हैं गरीबी आंकड़ा से, उनको फिर गरीबी आंकड़ा में जोड़ने का काम किया गया, और ये पैसा
लूटने का प्रयास किया गया कि देखो हमारा राज्य गरीब है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जब भी सरकार था यहाँ का खनिज संपदा का भरपूर उपयोग किया और लोगों में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया था। अगर झरिया विधानसभा का बात करें तो वहाँ के लोग अभी भी त्रस्त हैं, देखते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, धुआं उठ रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए सभी जगहों में जो उचित उपाय होगा वो कार्य भारतीय जनता पार्टी का किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल में जैसे जिस गति से रघुवर दास के सरकार में सुधार हो रही थी सारे चीजों में उसी गति को बढ़ाया जाएगा और सभी जगह में साफ सफाई चाहे जो भी जिन क्षेत्र में समस्या हो उन समस्याओं का समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ये दावे के साथ कहते हैं। बोले भारतीय जनता पार्टी। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बाकी और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या लगता है इस बार किसका सरकार बनेगा झारखंड में? इस बार तो बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। क्या क्या बढ़िया क्या लगता है बीजेपी सरकार में आपको? बीजेपी सरकार में जितना सुविधाएं दी हैं हम लोग को अच्छा लगा। हेमंत सोरेन जमैया योजना लेकर आया, स्वास्थ्य विभाग, बिजली माफी, किसान का ऋण माफी, इतना सब योजना लेकर आया, उसके लिए क्या उसमें बढ़िया नहीं लगता आपको? ये करे और भी लोग हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या लगता है झारखंड में किसका सरकार बनेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। अभी जो करेंट मुख्यमंत्री काम नहीं किए, जो राज्य का मुख्यमंत्री बालू का दाम सोने में बेचे, आप उसे समझ सकते हैं कि इस राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री काम कर रहा है? योजना भी तो बहुत सारा लेकर के आए हैं, बढ़िया बढ़िया काम भी किए हैं। ये योजना 5 साल पहले का है, नहीं लाए थे भैया? चुनावी के समय में क्यों लाए थे? पहले भी लाते, मतलब चुनाव के समय में लाए, वो पहले लाना चाहिए था। आप पहले लाते ना, और अगर आप दे रहे थे तो पूरा वो 5 साल का पूरा एक बार जोड़ के दे देते मैया योजना में। क्या लगता है बीजेपी का सरकार बनेगा तो बढ़िया काम होगा झारखंड में? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जब बनेगी और इससे पहले भी रघुवर की सरकार थी तो हर चीज का योजनाबद्ध तरीके से कार्य हुआ और फिर होगा, ये भी गारंटी है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। दादा जोहार। ये नहीं बोलेंगे, युवा हैं आप। दादा जोहार, क्या लगता है कि सरकार बनेगी बीजेपी का तो युवा के लिए फायदा होगा? युवा के लिए फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जैसे कि रोजगार मिलेगा, जो किसान किसानी जो अभी हम लोग को सब्सिडी में मिल पा रहा है। सब्सिडी हेमंत सोरेन का सरकार है, इससे खुश है कि नाखुश है आप? हम तो नाखुश है। जो हम लोग एक तरफ हम लोग किसानी है तो सब्सिडी सब्सिडी बंद कर दिया गया है। हम लोग का बोल दिया कि लोन माफ हो गया, लोन माफ नहीं हुआ है। चलिए देख लीजिए, बहुत लोगों से रिव्यू लिए हम। इस वक्त हम झारखंड में रांची के बापू वाटिका से इस वीडियो को दिखा रहे थे। बहुत लोगों ने अपना अपना मत बताया, बीजेपी वाले ने अपना वादा किया कि हम किस किस जगह पे कितना काम करेंगे, झारखंड में कहां कहां जो चीज़ बच गया सबका सुधार करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।